कि एक व्यक्ति को किस तरह से छल कपट से जेल में डाला जाता है। 17 महीने तक उसे बेल नहीं, जमानत नहीं मिलने देते, उसका अधिकार का हनन होता है। मनीष सिसोदिया के ऊपर एक पैसे का आरोप नहीं, कहां मनी लॉन्ड्रिंग है? भारतीय जनता पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग की बादशाह है, रिजर्व बैंक है मनी लॉन्ड्रिंग की। 17 महीने के बाद मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने निचले अदालत पर और ईडी पर जिस तरह से स्ट्रिक्चर पास किए, आप देखिए कि एक व्यक्ति को किस तरह से छल कपट से जेल में डाला जाता है। 17 महीने तक उसे बेल नहीं, जमानत नहीं मिलने देते, उसका अधिकार का हनन होता है। ईडी और निचली अदालत कानून से काम नहीं करते। मैंने भी ये वेदना सही है, अनिल देशमुख जी हो, संजय सिंह जी हो, बहुत लोगों को हमने देखा है। मनीष सिसोदिया के ऊपर एक पैसे का आरोप नहीं, मेरी जानकारी है कि एक पैसा उनके यहां से जब्त नहीं किया है। जो आप बोलते हैं ना क्राइम का मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, कहां मनी लॉन्ड्रिंग है? भारतीय जनता पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग की बादशाह है, रिजर्व बैंक है मनी लॉन्ड्रिंग की। इतना पैसा उनके पास कहां से आता है? मनी लॉन्ड्रिंग से आता है ना, यहां वहां से हमको क्या सिखाते हैं? चलो छोड़ दीजिए। कल राज ठाकरे की गाड़ी पर सुपारी फेंकी गई, कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी के लोग थे, क्या हमारे पार्टी के लोग शायद उसमें हो सकते हैं, लेकिन ये कोई पार्टी का आंदोलन नहीं था। महाराष्ट्र में जो मराठा आरक्षण आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के बारे में राज ठाकरे जी ने एक वक्तव्य किया था कि मराठा समाज को आरक्षण की जरूरत नहीं है, किसी को आरक्षण की जरूरत नहीं है। उसके बाद लोगों में गुस्सा है, तो किसी भी ये पार्टी का आंदोलन नहीं था, सभी पार्टी के मराठा कार्यकर्ता एक साथ आकर आंदोलन किया था, निषेध किया था। हम इतने कह सकते हैं यह हमारे पार्टी का आंदोलन नहीं था। सर, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब आपके भी दौरे होंगे। देखिये, ये धमकी और इशारे ठीक है, वो हम देख लेंगे, वो छोड़ दीजिए। ये हमारे दौरे होते हैं, रहेंगे, और आप क्या करेंगे और हम क्या करेंगे, ये आगे की बात है। जब होगा तब देखा जाएगा। सर, उद्धव ठाकरे दिल्ली गए थे, आपके विरोधी जो है, अरे हमारे विरोध मुख्यमंत्री पद के लिए गए थे, लेकिन कांग्रेस ने साफ तौर पर मना कर दिया, इस तरह से कहा जाए। देखिए, कौन क्या कहते हैं हमारे विरोधी, उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं। अब 2 महीने का सवाल है, 2 महीने के बाद ये लोग कहां रहेंगे, हम कहां रहेंगे, ये आपको पता चलेगा। तो छोड़ दीजिए, ये बातें फिजूल की बातें हैं।